ये हमारे पिस्टन रिंग्स होंगे जो कि कंबसन के टाइम में ऐसे इसको सील करते हैं इस कंबसन स्पेस को, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अभी क्या होगा, ये बिल्कुल नया है, ठीक है, रिंग का अपना कोई पैटर्न होगा, ठीक है, उस रिंग के पैटर्न से क्या होगा कि ये बिल्कुल उसका प्रोफाइल मैच नहीं करेगा, ये प्रोफाइल मैच नहीं करेगा तो ये क्या होगी, गैस यहाँ से लीक होगी। तो ये जितना हम प्रेशर डेवलप करना चाहते हैं नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या चाहते हैं, मेरा एम क्या है कि ये इसका प्रोफाइल और इसका प्रोफाइल मैच कर जाए ताकि जब हम कंबसन करेंगे तो हमको सीलिंग परफेक्ट मिले, ठीक है, इसलिए हम लोग रनिंग इन में डाल रहे हैं। कोई मैच नहीं हो रहा है, हां वो तो चलो ठीक है, लेकिन हम एकदम से लोड देंगे हां तो पिस्टन रिंग्स टूट नहीं जाएंगे यार। तो ऐसा थोड़ी होता है कि अगर हमारी इंजन है जो है 100 आरपीएम पे चलने के लिए बनाई गई है तो इसको 120 पे दौड़ा दो, ऐसा नहीं होता है। लोड बढ़ाने का मतलब क्या होता है, मतलब लोड अगर ऐसे कभी भी नहीं बढ़ा, कोई भी कंडीशन हो लोड ऐसे नहीं बढ़ाते कभी 10 आरपीएम पे ये लोड 100 आरपीएम पे गया, लोड हमेशा ग्रेजुअली ही इंक्रीज करेंगे, लेकिन इंक्रीज लोड पे चलाते इसलिए है ताकि ऐसा नहीं है कि आधे घंटे 10 पे चलाएंगे फिर आधे घंटे 20 पे चलाएंगे, ऐसा नहीं होता। 10 पे किया तो थोड़ी देर के बाद वो तो करीब जो प्रोलॉन्ग रनिंग है, प्रोलॉन्ग रनिंग हाई लोड पे करेंगे वो तो बाद की बात है, लेकिन एक दो मतलब कि एक दो बार मतलब अराउंड ले लेंगे बाद तब जाके आप हाई लोड कर सकते हैं, कोई हमसे लोड तो नहीं देते। वही चीज मैं बात कर रहा था कि अगर हम एकदम से लोड देना मतलब क्या समझ, हाई लोड पे जाने का मतलब क्या हो गया, हाई लोड पे चलाने का मतलब यही होता है कि मतलब उसको प्रोलॉन्ग रनिंग जो होगा, अगर हम लोग यूट्यूब पे लाइव है, ठीक है, अगर मान लो कि हम 2 घंटे चला रहे हैं इंजन तो उसमें 1.5 घंटे हम उसको बिल्कुल हाई लोड पे चलाएंगे, मतलब आधा घंटा इसको स्लो स्पीड, मतलब मैंने एग्जांपल दिया ऐसे कि अगर 2 घंटे चलाना है तो 1.5 घंटे हाई लोड पे चलाएंगे। उसका मेन हमारा ये होता है कि दोनों का प्रोफाइल मैच कर रहे और सीलिंग परफेक्ट, हां वो तो सही बना देंगे, मैं वो चेंज कर रहा था, लाइट ड्रॉप हो गया था ना हमारा, फ्लाइट बोर्ड जनरली 3 तरह की होती है, ठीक है, क्या तरह की होती है, ओपन लाइट बोर्ड, क्लोज लाइट बोर्ड एंड फ्री फॉल लाइट बोर्ड, ठीक है, ओपन लाइट बोर्ड, क्लोज लाइट बोर्ड एंड फ्री फॉल लाइट बोर्ड, यानी 3 कैटेगरी के लाइट बोर्ड होते हैं, ओके, ओपन लाइट बोर्ड अब यूज नहीं होते, ठीक है, ये पुराने जमाने में यूज होते थे। तो ओपन लाइट बोर्ड से में जनरली क्या होता था कि बाहर से खुला रहता था और उसको मैनुअली प्रोपेल करना पड़ता था, ठीक है, ये चप्पू के जमाने का बात है, ठीक है, लेकिन मतलब ये दोनों करेंट यूज में, ठीक है, क्लोज लाइट बोर्ड एंड फ्री फॉल लाइट बोर्ड, हां ये इसका क्लासिफिकेशन है, ये ओपन क्लोज फ्री फॉल सेम कैटेगरी में आते हैं, नहीं है ना, लाइट बोर्ड 3 तरह की होती है, एक क्लोज लाइट बोर्ड हो गया जो कि सिंपल सा ऐसा बोर्ड जैसा होता है, ठीक है, ऊपर से बिल्कुल खुला रहता है, क्लोज लाइट बोर्ड जो आप अपने सीखते आपने देखी होगी इस तरह की होती है, ऊपर से ऐसे क्लोज रहती है, ठीक है, और इसमें इसमें क्या फर्क है, दोनों होता ही जैसा ही है, दोनों के लॉन्चिंग प्रोसीजर में बस फर्क है, ठीक है, मतलब ये दोनों ही बिल्कुल कवर्ड होते हैं, ठीक है, बस इन दोनों में क्या फर्क है, लॉन्चिंग का फर्क आता है, कैसे लॉन्च करना है इसका फर्क आता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ ये क्लासिफिकेशन है। लाइट बोर्ड जनरली 3 तरह के होते हैं, ओपन लाइट बोर्ड, क्लोज लाइट बोर्ड एंड फ्री फॉल लाइट बोर्ड, ठीक है, एक्चुअली ओपन से हम क्लोज में क्यों आए,
ओपन से क्लोज की जरूरत इसलिए महसूस हुई क्योंकि ओपन में क्या होता था कि सी कंडीशन के लिए बिल्कुल ओपन रहता था, किसी भी वेदर कंडीशन में, धूप में तो धूप लग रही है, बारिश में तो बारिश हो रही है, ठीक है, विंड आती थी तो उससे प्रॉब्लम होती थी। क्लोज में क्या होता है, कंप्लीटली इनक्लोज होता है, तो आपको वेदर कंडीशन आपको परेशान नहीं करती है। और इसमें ओपन में प्रॉब्लम होती थी कि अगर वेव्स बहुत खतरनाक है तो टॉप ऑफ होता था, प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। तो जैसे ये ओपन लाइफ बोट है तो रफ सी कंडीशन में क्या होता था ना कि टॉपल कर जाती है, ठीक है। आपने कभी रैफ्टिंग देखी है, रैफ्टिंग करते हुए लोग ना कैसे कूदते तो बोट टॉपल करके ऊपर आ जाती है, ठीक है। तो और ये अगर क्लोज वाला है, क्लोज लाइफ बोट है, वो अगर टॉपल भी कर जाती है तो भी आपका लाइफ इन डेंजर नहीं होता है, आप सेफ रहते हैं। नहीं, टॉपल होता है फिर वापस से सेल्फ राइटिंग मोमेंट होता है, ठीक है। टॉपल ऐसा नहीं, टॉपल नहीं होता है, टॉपल होने के बाद क्या होता है कि सेल्फ राइटिंग मोमेंट होता है, वो खुद ही सीधा हो जाता है, ठीक है। हम सोलास रेगुलेशन की बात कर लेते हैं, लाइगोट के सोलास रेगुलेशन क्या है, सोलास रेगुलेशन जनरली कितने होते हैं लाइगोट के, कितने, दो होता है, जो भी है आप सुना हिसाब से बताएंगे कि सिर्फ पे कितना होता है लाइफ बोट, जनरली दो होते हैं, एक पोर्ट साइड और एक स्टार बोट है। रेस्क्यू बोट तो रेस्क्यू बोट तो होना ही चाहिए, रेस्क्यू बोट जो है किसी एक डेजिग्नेटेड रेस्क्यू बोट हम बोल देते हैं, ठीक है। तो सिर्फ आपको बता दिया जाएगा कि पोर्ट साइड कोई एक को डेजिग्नेटेड रेस्क्यू बोट बोल देते हैं, ठीक है। लाइफ बोट जो लाइफ बोट होते हैं दोनों से किसी एक को रेस्क्यू बोट हम बोल सकते हैं। अब देखिए इससे कुछ सोलास रेगुलेशन है कि इसका मैक्सिमम कैपेसिटी कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 150% होना चाहिए, ठीक है। आपका लाइफ बोट का मैक्सिमम कैरिंग कैपेसिटी कितना होना चाहिए, 150% होना चाहिए। मैक्सिमम है, मैक्सिमम पैसेंजर वेहिकल को ध्यान में रखकर डेटा बनाया गया। दूर तो कभी हो सकता है क्या, 150 पैसेंजर वेहिकल्स में होता है लाइफ बोट, उनमें मैक्सिमम कैपेसिटी 150 हो सकती है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर सिर्फ 600 पैसेंजर है तो 600 के लिए एक लाइफ बोट बना दिया, 600 तो फिर जहाज पैरल जहाज जाएगा, ठीक है। तो मैक्सिमम लाइफ बोट का कैपेसिटी कितना होता है, 150%। और आपके जहाज पे मिनिमम 2 लाइफ बोट तो होने ही चाहिए, ठीक है। जहाज पे कितने, मिनिमम 2 लाइफ बोट होने चाहिए और इसका मिनिमम लेंथ 7.3 मीटर होना चाहिए। मिनिमम लेंथ लाइफ बोट का 7.3 मीटर होना चाहिए, ये मिनिमम 2 लाइफ बोट। हाँ, ये फ्री फॉल वाला तो एक ही ना, नहीं फ्री फॉल में तो एक ही तो होगा, क्या बोला कि जैसे 2 आपके लाइफ बोट होते हैं, लेट्स से पोर्ट और स्टार बोट है, तो एक को हम डेजिग्नेटेड रेस्क्यू बोट बोल देते हैं, होता तो लाइफ बोट ही है वो, लाइफ बोट वो होता नहीं। देखो रेस्क्यू बोट क्या होती है कि लेट से किसी इमरजेंसी में कोई पर्सन ओवरबोर्ड हो गया तो हम उस समय कंफ्यूजन ना हो कि किसको लोअर करना है, सीधा कैप्टन उठेगा रेस्क्यू बोट को लोअर करो, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि मिनिमम 2 लाइफ बोट होना ही चाहिए, इसमें से एक को रेस्क्यू बोट ले बोट में तो मैक्सिमम 5% या 6% जा सकते हैं टोटल। आप क्यों, तो आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं कि इसकी मिनिमम कैपेसिटी कुछ होती है। मैंने ये जो मैक्सिमम बताया है पैसेंजर शिप के हिसाब से, ठीक है। हमारे जो कार्गो शिप में लाइफ बोट यूज होता है उसकी 30-35-40 ऐसी ही कैपेसिटी होती है, ठीक है।
डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ क्रू, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपके शिप पे लाइफ बोट मिनिमम दो होना ही चाहिए। इसमें से एक को हम रेस्क्यू बोट डेजिग्नेट कर देते हैं, इनमें से एक को बोल देते हैं कि डेजिग्नेटेड रेस्क्यू बोट है, ठीक है। रेस्क्यू बोट इज नॉट अदर देन लाइफ बोट, रेस्क्यू बोट ऐसा कुछ अलग से रेस्क्यू बोट नहीं होता है, एक लाइफ बोट को ही डेजिग्नेट कर देते हैं कि वो रेस्क्यू बोट है। उसमें डिफरेंस भी तो होता है, क्या डिफरेंस होता है, डिजिग्नेटर का मतलब जो इंजन है नहीं होता है, इंजन तो नहीं होता है, नहीं होता है, सब ठीक है, नहीं होता है यार। लाइफ बोट किधर होता है, लाइफ बोट जो होती है ना रेस्क्यू बोट ही डेजिग्नेटर रेस्क्यू बोट होती है, लाइफ बोट तो आप उसमें ना हाथ में, हाथ में ना क्या हो गया कंफ्यूजन क्या। एक्चुअली कंफ्यूजन सर ये है कि शिप पे कितने लाइफ बोट होते हैं,300%. You have two life rafts on either side, 100% capacity. If you cannot transfer from one side to the other, then you will have double the capacity. No? So if you have a free fall life boat, you can have life rafts at the two sides. Okay. और अगर आपकी ship की speed शिप की स्पीड आपकी मिनिमम 5 नॉट भी है, ठीक है, तो भी आपका लाइफ बोट लॉन्च हो जाना चाहिए, ठीक है। ये मिनिमम लेंथ 7.3 मीटर है, हाँ, इससे छोटा नहीं हो सकता है, ये शायद 3.8 ऐसा होता है, नहीं 7.3 मीटर होता है, इससे छोटा लाइफ बोट नहीं हो सकता। आप वो जो बोल रहे हैं ना 3.5 वो वेलोसिटी होती है, 3.5 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से भी स्ट्राइक करे वो पानी को मिनिमम, तो हमारा लाइफ बोट डैमेज नहीं होना चाहिए, ठीक है। 3.5 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से अगर वो स्ट्राइक करता है पानी को तो भी कोई वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये शिप की स्पीड 5 नॉट पे है, हां, मतलब अगर शिप की स्पीड 5 नॉट भी है तो भी इजीली लॉन्च हो सकता है आपका लाइफ बोट, ठीक है। मिनिमम स्पीड है, दैट इज मिनिमम स्पीड है ना, हां, मतलब 5 नॉट भी स्पीड हो, सॉरी मिनिमम नहीं मैक्सिमम स्पीड है, पर ऐसा नहीं है कि मतलब अगर इससे ज्यादा स्पीड हो तो भी लॉन्च हो सकता है, लेकिन 5 नॉट की स्पीड तक तो आराम से लॉन्च हो ही जाना चाहिए। इसका इंटरनेशनल वो एक्सेप्टेड कलर कौन सा है, ऑरेंज, ऑरेंज, ठीक है, इंटरनेशनल एक्सेप्टेड कलर है इसका ऑरेंज, और सिप का कॉल साइन इस पर प्रिंट होना चाहिए, कॉल साइन होता है ना सिप का, कॉल साइन जैसे सिप के कॉल साइन ऐसे होते हैं बी बी जी जे, ठीक है, सात आठ तीन, हाँ, मतलब अल्फा न्यूमेरिकल कॉल साइन होते हैं, है ना, ऐसा क्या होता है कॉल साइन, ए यू के के, हाँ, ए यू के के, बी बी जी जे, है ना, ऐसा क्या होता है क्या बोल रहा है? इधर कॉल साइन का यहाँ पे सिर्फ पार्टिकुलर्स होंगे ना उसमें लिखे होंगे, आप अपने टाबुक में लिख के लाए होंगे, टाबुक में आई होगा, लिखा नहीं है कहाँ से लिखा, आई एम ओ नंबर, आप उस पे सर्च कर रहे हैं ना, हाँ, नेट पे सर्च करते हो, सर फाइंडर होता है वेबसाइट, वैसे फाइंडर का आपने नजर का नाम डाला ना तो वैसे पे डिटेल्स आ जाएगा, लेंथ ब्रेथ लेंथ बिटवीन परपेंडिकुलर दिस या जो भी सारे डिटेल्स होते हैं ना तो सारे आपको आ जाएंगे।
अब एक लाइफ बोट के इंजन का रेगुलेशन देख लीजिए, लाइफ बोट के इंजन का रेगुलेशन इसका इंजन टू स्ट्रोक भी हो सकता है फोर स्ट्रोक भी हो सकता है ठीक है आइदर टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक ठीक है टू स्ट्रोक या फोर स्ट्रोक कुछ भी हो सकता है और इट कैन बी स्टार्टेड आइदर बाय पावर और हैंड ठीक है अब देखिए इसमें और रेगुलेशन ये है कि अगर आपने लैपटॉप के इंजन का क्रैंकशाफ्ट तक भी वाटर लेवल आ गया है वाटर फ्लडिंग हो गई है तो भी ये इंजन स्टार्ट हो जाना चाहिए ठीक है अगर लैपटॉप के इंजन में क्रैंकशाफ्ट तक भी वाटर लेवल भर गया है तो आपका इंजन लैपटॉप का इंजन स्टार्ट हो जाना चाहिए अगर एम्बिएंट टेम्परेचर है तो दो मिनट के अंदर आपका लाइफबोट इंजन स्टार्ट हो जाना चाहिए अगर एम्बिएंट टेम्परेचर है एम्बिएंट टेम्परेचर इतना माने 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड है ठीक है एम्बिएंट टेम्परेचर होता है 15 से 25 ambient temperature is the temperature normally हम लोग रहते हैं ठीक है तो ambient temperature में लाइफबोट इंजन आपका मिनिमम सॉरी मिनिमम मैक्सिमम दो मिनट तक स्टार्ट हो ही जाना चाहिए हाँ ठीक है और अगर कोल्ड कंडीशन से स्टार्ट कर रहे हैं कोल्ड कंडीशन से स्टार्ट कर रहे हैं तो कितने देर में स्टार्ट लाना चाहिए 5 मिनट ठीक है और कोल्ड कंडीशन से स्टार्ट कर रहे हैं तो 5 मिनट में स्टार्ट हो जाना चाहिए जनरली हम लोग इसके एयर फिल्टर में नेप्था या ब्यूटेन का स्प्रे डालते हैं ये इंपॉर्टेंट है इसको एक बार ना स्टार मार्क करके लिख लीजिएगा जनरली आपसे पूछ सकते हैं सर कि अगर लाइफबोट का इंजन कोल्ड कंडीशन में है ठीक है आपको स्टार्ट करना है तो आप क्या करेंगे आप एयर फिल्टर में या तो नेप्था ठीक है नेप्था या फिर ब्यूटेन का स्प्रे डाल देंगे एयर फिल्टर में तो आपका जो लाइफबोट का इंजन है वो कोल्ड कंडीशन में थोड़ा इजीली स्टार्ट हो जाएगा ठीक है एयर फिल्टर में एयर फिल्टर में क्या करेंगे नेफ्था या ब्यूटेन स्प्रे डाल देंगे इसको इंजेक्ट कर देंगे नेफ्था और ब्यूटेन स्प्रे को इंजेक्ट कर देंगे एयर फिल्टर में तो क्या होगा हमारा कोल्ड कंडीशन में भी थोड़ा इजीली स्टार्ट हो जाएगा ठीक है एक फुली लोडेड कंडीशन में लाइफ बोट का स्पीड कितना होता है फुली लोडेड कंडीशन में लाइफ बोट का स्पीड होता है 6 नॉट्स ठीक है और इसमें फ्यूल कैपेसिटी होती है अगले 24 आवर तक आराम से चल सकता है ठीक है एक फुली लोडेड कंडीशन में फुली लोडेड कंडीशन में लाइफ बोट की स्पीड कितनी होती है 6 नॉट्स और नेक्स्ट 24 आवर तक का फ्यूल रिजर्व होता है मैक्सिमम स्पीड है 6 नॉट के स्पीड से बहुत चल सकता है अब लोग टैंकर किसने किया आपने किया है ना हाँ तो टैंकर के लिए आप इस उससे आप लोग भी सुन लीजिए लेकिन टैंकर के लिए स्पेशल है कि टैंकर्स के लाइफबोट में ना एक अलग सा सिस्टम होता है स्प्रिंकलर सिस्टम ठीक है फायर प्रोटेक्शन के लिए स्प्रिंकलर सिस्टम लगा होता है ये सिर्फ टैंकर के
लाइफ बोट्स में होता है। ठीक है, अभी स्प्रिंकलर सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे जब अगला अभी नेक्स्ट सेक्शन शुरू करेंगे ना फायर फाइटिंग का, तो स्प्रिंकलर सिस्टम पढ़ेंगे। लेकिन अभी ध्यान रखिए कि टैंकर के लाइफ बोट में स्प्रिंकलर सिस्टम होता है, ये आपके कंटेनर या बल्कर या अदर जो भी है सिर्फ टैंक उनमें नहीं होता है, ये टैंकर में अलग से होता है। टैंकर की लाइफ बोट जो होती है उसमें स्प्रिंकलर सिस्टम होता है फायर फाइटिंग। स्टार्टिंग करने का प्रोसीजर भी दो प्रकार के, मतलब दो होते हैं, एक तो अपना मैनुअली मतलब पावर बैटरी चार्ज बैटरी से स्टार्ट करना है, पावर बाई है, और एक अंदर से मतलब हाइड्रोलिक टाइप का होता है ना, जो मैं वो बाय मींस ऑफ टू स्टार्टिंग सिस्टम ऑन चला इसका वो तो इमरजेंसी जनरेटर के लिए नहीं, तो क्या आप मैं समझ नहीं पा रहा डाउट क्या है। टू मींस ऑफ स्टार्टिंग, लाइफ बोट का दो मींस ऑफ स्टार्टिंग होना चाहिए ना। हाँ, तो देखिए या तो बाय पावर या बाय हैंड। बाय पावर में क्या होता है कि बैटरी एक्युमुलेटर भी होता है, ठीक है, बैटरी एक्युमुलेटर भी होता है इसको स्टार्ट करने के लिए। आपका सीआई इंजन तो है ही, सीआई इंजन तो है ही प्लस बैटरी एक्युमुलेटर भी होता है, ठीक है, और इन सबसे भी स्टार्ट नहीं हो रहा है तो फिर है पुराने जमाने में देखा है ट्रैक्टर कैसे स्टार्ट होता था, देखा है आप लोग, उतने पुराने नहीं है, मैं भी उतना पुराना नहीं हूँ, लेकिन पहले के जमाने में क्या होता था ट्रैक्टर जो होता था ना, ट्रैक्टर ट्रैक्टर के आगे ना एक ऐसे लगाते थे पूरी टाइप की, ठीक है, इससे रस्सी लगाते थे पिलर से दो लोग मिलकर रस्सी को खींचते थे, तो ये क्या था पुली घूमती थी, पुली घूमती थी तो ये फिर इंजन घुमाते थे और फिर एक इंसान बैठ के फिर उनको ऑपरेट करता था, इस तरह से वो स्टार्ट होते थे, तो वैसे स्टार्ट करते हैं। अगर अभी नॉर्मली देखा होगा घर में ये क्या बोलते हैं बिजली वगैरह के लिए जनरेटर नहीं एक छोटा सा आता है छोटा जनरेटर आता है जो उसको आप देखते हैं जैसे कैसे स्टार्ट करते हैं, उसमें एक रस्सी सी होती है उसको आप जो खींचते हैं तेजी से फिर आपका सांप घूमना शुरू होता है और फिर वो फिर उसको पकड़ता है, उस तरह से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें बैटरी, इसमें ये भी तो है कि बैटरी कितनी होनी चाहिए हर उसमें, इसमें लाइफ बोर्ड में ऐसा कुछ नहीं है, नहीं है उतना बताया जा रहा था उतना रख लो, ठीक है, क्वेश्चन फ्रेम करोगे क्वेश्चन का कोई एंड नहीं आएगा, ये कितना होता है वो कितना होता है, आप सर्वे से पूछो उसको भी नहीं पता होगा, ठीक है। और अगर ज्यादा पुराना सर्वेयर है तो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के बारे में ज्यादा बात ना करिए, है ना, अपनी सेहत के लिए बेटर। और अगर पुराना सर्वेयर है, लेट से आपको सर्वेयर की एज लग रही है वो 60 प्लस है, ठीक है, तो थोड़ा सा मॉडरेट टेक्नोलॉजी का ही आंसर दीजिए, ठीक है। अगर जैसे वो 60 प्लस है, ठीक है, और लेट से वो बोलते हैं कितने लाइफ बोट होते हैं, नो डाउट आजकल ऐसा हो गया है कि अगर थ्री फोर लाइफ बोट है तो एक ही लाइफ बोट होती है उसको रेस्क्यू मोड में बोलते हैं, लेकिन आप इस चीज पे खड़िए मत, ठीक है। अगर वो थोड़ा सा पुराना सर्वेयर है उसको उसके हिसाब से ही जवाब दीजिए कि नहीं सब दो होते हैं लाइफ बोट, एक पोर्ट साइड होता है स्टार पोर्ट साइड होता है, कैपेसिटी कितनी होती है जितनी क्रू होते हैं, ठीक है, ये हो गया लाइफ बोट का डिजाइन का हो गया। अब इक्विपमेंट देख लीजिए, लाइफ राफ्ट में जो लेके गए थे ना वही हम लेकर लाइफ बोट में भी जाते हैं, ठीक है, मैं एक बार बोलता जा रहा हूँ स्पेशलिटी तो होता है इसमें लाइफ बोट में, लिखी होगी, ठीक है, वापस लिखने की जरूरत नहीं, जो आप लोग अलग लगेगा, ठीक है, आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। मिरर्स लिखा था हमने, मिरर होते हैं बायोन फाइडल्स इसमें भी होते हैं, हैंड फ्लेयर 6, रॉकेट पैराशूट 4, स्मोक सिग्नल्स होते हैं, हिपॉप होता है, ठीक है, फूड रेशन सेम होता है 500 ग्राम पर पर्सन पर डे फॉर 3 डेज, आपका वाटर 500 ml पर पर्सन पर डे फॉर 3 डेज, देन आपके टाइप लेके जाते हैं, सर्वाइवल इंस्ट्रक्शन बुकलेट होती है, एंटी सीसी के टैबलेट होते हैं, ठीक है, वाटरप्रूफ टॉर्च होती है, होता है, होता है, होता है, होता है, होता है,
थर्मल प्रोटेक्टिव हेड होता है, बकेट जिसमें ले जाते हैं ना, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, लिख लीजिएगा बकेट ले जाते हैं, पेपर चार्ज भी तो लेके जाते हैं हम लोग, पेपर था नहीं बोल में क्या बराबर बैठ कर पेपर था हम अभी नहीं, हमारे में जब लो होता था ड्रिल ड्रिल होती तो हमें पेपर चार्ज लग के आने के लिए बोलते थे। अच्छा ठीक है, और भी का एक्स लेके आता पेपर चार्ज और जो अपना जितना भी ये पैरस मोड और ये सब कुछ है उससे तो पेपर चार्ज लेके आता था। ठीक है ओके, अगर आप ले जाते तो आप बता सकते हैं, ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से एक लाइव बोर्ड में पेपर चार्ज आप क्यों ले जाते हो, इसीलिए ना कब वो करेंगे ग्रुप मैप बनाएंगे, तो आप लाइव बोर्ड से बीच मिड ओशन से कभी भी चाहे कुछ भी हो जाए आप किनारे नहीं आ सकते, आपको रेस्क्यू बोट का वेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ले जाते तो आप बता सकते हैं इतनी कैपेसिटी इसकी नहीं है कि आपको शोर तक ले जा पाए, बशर्ते कि आप किसी कोस्टल एरिया में अगर लाइफ बोट को लोअर कर रहे हैं तो मिड ओशन में आप लोअर कर रहे हैं तो आपको लाइफ रेस्क्यू बोट का वेट करना ही है। और इसे बीएचएफ प्रोटोकॉल भी है, आप बोलोगे यार बीएचएफ बीएचएफ तो इसे ऑब्सेस्ड क्यों बेच रहे हो, बीएचएफ क्या होता है, इंटरनल बात करने के लिए, ठीक है कि आप सिर्फ पे मान लो यहाँ पे खड़े हो और फसल डेक पे खड़े हो और दृश्य आपको कोई किसी को कुछ इंफॉर्मेशन ठीक है, बट VHF का पर्पस होता है वो इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए होता है, ठीक है आप VHF से कुछ नहीं कर सकते, मतलब आप लाइव बोर्ड पे VHF से किससे बात कर रहे हैं, तो लॉजिकली आप सोचिए कि VHF जो होता है वो इंटरनल कम्युनिकेशन की चीज है, आप मैंने एक सिग्नल सेट कर ली, उसने एक सिग्नल सेट कर ली, उसके एक पार्टिकुलर रेंज भी होता है 5 से 8 नॉटिकल माइल, वो भी मतलब एकदम इफिशियंट वॉकी टॉपी है तो 5 से 8 नॉटिकल मिल जाएगा वो, ये तो 200 किलोमीटर अलग होता है, दोनों लाइफबोट लॉन्च तब दोनों बात करेंगे, तो दो लाइफबोट कैसे लॉन्च करेंगे आप, लाइफबोट तो एक ही लॉन्च होगी डब्ल्यू बिल्कुल अलग चीज होती है, बीएचएफ बिल्कुल अलग चीज होती है, GMDSS होती है घुसते आप बताते हैं कि मैं डिस्ट्रेस में हूँ, आपने जैसे ही GMDSS को प्रेस किया वैसे डेजिग्नेटेड प्लेसेस पे मैसेज चला जाता है प्री रिटेन मैसेज कि आपका सारे कोऑर्डिनेट्स उस समय आप कहाँ हैं, आपके सिप का नाम क्या है और आप डिस्ट्रेस में हैं, और VHF सिंपल वॉकी टॉकी को VHF बोलते हैं, ओके वॉकी टॉकी यूज करते थे ना, आप 8 घंटे VHF ठीक है यार, मान लिया कि वो अगले 5 दिन काम करेगा तो मुझसे किससे बात करोगे, बगल वाले इंसान से, पर्पस तो होगा लेके जाने का भी, एक टेक्निकल पर्पस तो रहेगा उनका जो भी आप मंगवाते हैं या फिर लेके जाते हैं, पर्पस तो होगा, पर्पस ये होगा ना जैसे लाइव मोड लोअर कर दिया ऊपर खड़े है और नीचे वाला बताएगा हाँ अब रस्सी काट रहे हैं, वो तो उसी टाइम का है, रस्सी काटना नहीं होता उसमें तो मतलब चिप्स लेते हैं पैचेस लेते हैं उसमें, उसको हम डीजल वो करते हैं, वो डिपेंड करता है कैसे लॉन्च करना है, और दूसरा क्या होता है अरे ऊपर जैसे सामान लोड करेगा ना तो चिप्स बोले रही है, अगर आप ठीक है ले जाते थे ना आप बोल रहे हैं आप उससे एक्सटर्नल दुनिया से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अगर आप ले जाते थे तो आप श्योर बोलिए कि मैं ले जाता हूँ, ठीक है, बट अगर टेक्निकल टर्म में आप सोचेंगे तो दैट्स फॉर इंटरनल कम्युनिकेशन, आप लाइव बोट को इफिशिएंट यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है,
मैक्सिमम फ्रैक्शन में यही इस्तेमाल कर सकते हैं कि बगल से कोई सिप जा रही है उसके वॉकी टाइप के बाद भी आपको तो सिग्नल पता होना चाहिए चैनल 16 जो होते हैं वो इमरजेंसी के लिए होते हैं सिर्फ उसी और चैनल 6 होता है सिर्फ ठीक है सिर्फ एयरक्राफ्ट चैनल 6 होता है और चैनल 16 होती है सिर्फ उसी अब ये इक्विपमेंट हो गया ना ठीक है बकेट ले जाते हैं और टूल्स का सेट ले जाते हैं ना एक्स्ट्रा सिर्फ एयरक्राफ्ट के लिए क्या है 6 ये जब से हां अब जैसे जब मान लीजिए आपको एयरलिफ्ट करना है ठीक है तो आप बात करेंगे ना उससे पायलट से कि मतलब हां आप नीचे ऊपर क्या बोलते तो बोलते हैं क्या बोलते हैं सिग्नल सिंबल भी होता है लेकिन वहां पर 6 06 होता है चैनल होता है ये भी कहां आ गया क्या क्या लेके जाते हैं मार्किंग देख लीजिए लाइव बोर्ड पे कौन कौन सा क्या होती है मार्किंग ऑन लाइव बोर्ड सबसे पहले क्या होता है नेम ऑफ शिप ठीक है नेम ऑफ शिप फिर मेकर्स नेम आपका इमरजेंसी जनरेटर का मेकर कौन था नहीं मतलब पूछ सकता है मतलब ऐसा नहीं है कि आप जो भी दिमाग में आए ठीक है बस ये बना मतलब जनरेटर बनाने वाली कंपनी होनी चाहिए ठीक है जनरेटर देखिए मर्सिडीज का आता है मर्सिडीज के इमरजेंसी जनरेटर आता है सैमसंग का आता है कैटरपिलर का आता है ठीक है और हुंडई का आता है सैमसंग का आता है जानवर का है इमरजेंसी जनरेटर जानवर का आई थिंक पता नहीं मैंने सुना नहीं है बट आता होगा जनरली मोस्ट जो सबसे ज्यादा सिप पे यूज होता है कैटरपिलर यूज होता है मर्सिडीज यूज होता है और सैमसंग यूज होता है ठीक है मर्सिडीज का ज्यादा पॉपुलर होता है फिर सीरियल नंबर ठीक है और मार्किंग क्या हो सकती है पोर्ट रजिस्ट्री पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री कैपेसिटी कॉल साइन आईएमओ नंबर कॉल साइन और आईएमओ नंबर कैरिंग कैपेसिटी कैरिंग कैपेसिटी और डायमेंशन ठीक है डायमेंशन मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट सिप का नेम रहता है मेकर्स का नेम रहता है सीरियल नंबर रहता है पोर्ट ऑफ रजिस्ट्री रहती है कॉल साइन रहता है आईएमओ नंबर रहता है कैरिंग कैपेसिटी रहती है और डायमेंशन रहता है मार्किंग
ठीक है। मेंटेनेंस क्या होता है, लाइक व्हाट वीकली, वीकली क्या करते हैं, जनरेटर स्टार्ट, जनरेटर मतलब उसका इंजन स्टार्ट, हाँ, और सेकंड लूबॉल चेक, ठीक है, और प्रोविजन चेक, ठीक है, और अपना वाटर चेक करते हैं, वाटर मतलब कोई वाटर दिखना होगा इंजन का, वो हो गया आपका इंजन ट्राई आउट कर लिया ना, मतलब दैट्स वो हो गया ट्राई आउट कर लिया। हाँ देखिए क्या करते हैं कि वीकली क्या करते हैं, इंजन को ट्राई आउट कर रहे हैं, ठीक है, इंजन को ट्राई आउट करते हैं और प्रोपल्शन चेक करते हैं दोनों ही डायरेक्शन में, ठीक है, हेड एंड स्टर्न दोनों डायरेक्शन में चेक किया। सबसे पहले लिख लीजिए इंजन को ट्राई आउट करते हैं, फिर बोथ साइड हेड एंड स्टर्न उसका प्रोपल्शन चेक करते हैं, और इलेक्ट्रिकल ऑब्जर्वर क्या चेक करेगा, बैटरी लाइफ चेक करते हैं उसका, ठीक है, पानी, और एवरी टू इयर्स ये रिप्लेस हो जानी चाहिए। बैटरी जो है इसको आप नहीं चेक करेंगे, बैटरी कौन चेक करता है, इलेक्ट्रिकल ऑप्शन चेक करता है, और अकॉर्डिंग टू सोलॉस रेगुलेशन, ठीक है, एवरी वीक क्या होना चाहिए, आपका जो लाइफ बोट है इम्बार्केशन डेट तक लोअर होनी चाहिए, एवरी वीक, एवरी वीक लाइफ बोट जो है इम्बार्केशन डेट तक लोअर होनी चाहिए। मेरे सिर्फ 6 महीने में एक बार नहीं हुआ, लेकिन सोलास का रेगुलेशन कहता है कि एवरी वीक इम्बार्केशन डेट तक लोअर होना चाहिए, और एवरी 3 मंथ कंप्लीटली लॉन्च होना चाहिए, एवरी 3 मंथ एक बार लॉन्च कंप्लीट लॉन्च होना चाहिए, और एक चक्कर लाकर वापस आ जाना चाहिए, ठीक है। मेंटेनेंस होना है क्या करते हैं, एक वीकली ट्राई आउट करेंगे, हेड और स्टर्न दोनों डायरेक्शन में प्रोपल्शन चेक कर लेंगे, बैटरी को चेक करेंगे, और एवरी 2 ईयर बैटरी को रिप्लेस कर लेंगे अकॉर्डिंग टू सोलास, एवरी वीक इंबार्केशन डेट तक लोअर करेंगे। इंबार्केशन डेट मतलब कौन सा वाला डेट बोल रहे हैं, इंबार्केशन डेट जहां से हम बोट चढ़ा, जहां से हम मतलब चढ़ते हैं, ठीक है, मतलब इंबार्केशन लैंड है ना, वहां तक और कंप्लीट एक राउंड करके वापस आना चाहिए। बुक रहती है उसको पीछे मोटर के थ्रू फिर ऊपर खींचते सबसे पहले लिख लीजिए एम्प्टी फ्यूल टैंक, सबसे मेजर रीजन यही होता है, आपके पास तेल ही नहीं है, इंजन स्टार्ट कैसे हो, ठीक है,
Second, incorrectly attached fuel hose, fuel supply hose. Incorrectly attached fuel supply hose. What? The supply hose. Defective fuel pump. Third point, defective fuel pump. Next is your contaminated fuel. That is a faulty or incorrect positioning of spark plug. Or incorrect positioning of the spark plug. Next point is emergency setup deactivated. Setup deactivated. Under charge, starter battery. क्या लिखा था रिचार्ज बैटरी ओके लूज इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस डिफेक्टिव स्टार्टअप होता है डिफेक्टर डिफेक्टर नहीं डिफेक्टिव स्टार्टअप हाँ एक और चीज है सर्वे जनरली आप में पूछते हैं वह आप क्या चेक करेंगे लाइट को लोअर करने से पहले व्हाट शुड यू चेक बिफोर लोअरिंग द लाइट को लोअरिंग प्रोसीजर क्या लाइट और लोअरिंग प्रोसीजर वो तो ये बताएंगे मतलब लोअर करने से पहले आप क्या क्या दिमाग में मतलब आप क्या क्या चेक करेंगे point
another point is vision. सबसे पहले चेक करें बैटरी प्रॉपरली चार्ज होना वाला है, प्रॉपरली चार्ज और ना। सेकंड पॉइंट इज रडार इज टर्निंग ऑन बोथ पोर्ट एंड स्टारबोर्ड साइड, रडार इज टर्निंग ऑन बोथ पोर्ट एंड स्टारबोर्ड साइड, रडार जो है वो दोनों साइड ही घुमा पा रहा है कि नहीं लाइट बोर्ड को। Then check fuel tank, lubricant level and fuel pipe. Fuel tank का level और lubricant का level check करेंगे. फिर check क्या करेंगे? Air bottle का pressure. Air bottle. Air bottle. और starting. Starting के लिए. फिर चेक कर लेंगे इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, एयर स्टार्टिंग भी होता है लाइक में कंप्रेशन इग्निशन होता है ना, देन कंडीशन ऑफ बिल्ज पंप, लाइबोर्ड में बिल्ज पंप भी होता है, कंडीशन ऑफ बिल्ज पंप। Then we will check all tools, hiring toolbox. Okay. जनरली ये चेक करते हैं, इसका तो बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं, ये नॉर्मल पॉइंट्स है जो चेक मान लीजिए पूछ लिया आपसे आप क्या चेक करेंगे, तो आप ये चेक करेंगे ये चेकिंग मतलब लोडिंग के टाइम से पहले कि लोअर मान लीजिए आप करने जा रहे हैं उससे पहले आप इमरजेंसी में लोडिंग के टाइम पर कर सकते हैं चेकिंग, अपना चेक किए जाएंगे वो तो मतलब आप वीकली इसको चेक करते रहते हैं ना, आपने इसको मान लीजिए सैटरडे को चेक किया है मंडे को लोअर करना है तो कोई जरूरत नहीं चेक करने की, आपने सैटरडे को चेक किया है ना, हर सैटरडे हर सैटरडे ये नॉर्मल लोअरिंग के लिए जब आप ड्रिल पे जा रहे हैं तो आप लोअर करेंगे तो क्या क्या चीज देखेंगे, ठीक है, तो जनरली आप ये सारी चीजें देखते हैं। अब आता है लॉन्चिंग ऑफ पाइप, लॉन्चिंग ऑफ लाइफ बोट कैसे लॉन्च करते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है कि एक इंसान जो होता है वो लाइफ बोट के अंदर जाता है पहले, ठीक है, लाइफ बोट के अंदर जाता है और वो ड्रेन को प्लग कर देता है, लाइफ बोट में क्या होता है ना ड्रेन होता है, ठीक है, ड्रेन को क्या करता है वो प्लग कर देता है और एक ट्राइसिंग पेंडेंट होता है, टॉवल पेंटर बोल रहा हूँ, टॉवल पेंटर होता है, टॉवल पेंटर को निकाल के बाहर पकड़ा रहता है, ठीक है, वो क्या किया सबसे पहले जो है एक इंसान अंदर जाता है, वन पर्सन गोज इनसाइड, ही ड्रेन्स द प्लग, सॉरी ही प्लग्स द ड्रेन एंड टेक द टॉवल पेंटर उसको सिप साइड में पास कर देता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि हम उसका चेक करते हैं कि मेरा नीचे का पूरा एरिया क्लियर है कि नहीं, लॉन्च करने वाले हैं तो नीचे कोई बोर्ड दूसरी बोर्ड तो नहीं है, फिशिंग बोर्ड तो नहीं है, कुछ भी ऐसा ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं है, ठीक है, चेक करते हैं नीचे पूरा एरिया क्लियर है कि नहीं, फिर उसको क्या करते हैं कि टॉगल पेंटर का जो दूसरा हिस्सा है उसको क्या करते हैं सिप से फास्टन कर देते हैं, ठीक है, क्या किया सिप से फास्टन कर दिया। अब क्या करते हैं कि ग्रिप्स होती है सर, जो ये लाइफ बोट हमारी है ना, तो लाइफ बोट का फॉरवर्ड में और लाइफ बोट के आपस में से ग्रिप्स होती है जिनसे कि वो सिप से अटैच होता है, ठीक है, उन ग्रिप्स को हम इनको क्या किया हमने ग्रिप्स को हटा लिया, फिर उसके बाद दो पर्सन स्टैंड बाई रहते हैं, ठीक है, एक पर्सन स्टैंड बाई रहता है इसके लिए टॉवल पेंटर के लिए, ठीक है, टॉवल पेंटर के साथ, और एक पर्सन स्टैंड बाई रहता है ट्राइसिंग पेंडेंट, ट्राइसिंग पेंडेंट क्या होता है एक तो मतलब बड़ा सा हुक जैसा होता है उससे क्या करते हैं लाइफ बोट को अपने तरफ खींचने के इस्तेमाल में आती है, ठीक है, तो
तो अभी तक क्या हुआ, एक इंसान अंदर गया, उसने ड्रेन को प्लग किया, फिर उसने जो टॉगल पेंटर था उसको बाहर की तरफ दिया। उस टॉगल पेंटर को हम क्या करते हैं, स्विच लाइट के साथ फास्टन कर देते हैं, फिर चेक कर लेंगे नीचे मेरा सारा एरिया क्लियर है कि नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, दो फॉरवर्ड आर्क दोनों ग्राइप्स है, हम ग्राइप्स को रिमूव कर देंगे। फिर उसके बाद दो पर्सन स्टैंड बाय रहेंगे, स्टैंड बाय इन दोस और द स्टैंड बाय है ना, हां वो शिप में है ना, हां शिप में है, शिप में शिप डेक पे खड़े, ठीक है। तो एक स्टैंड बाय है ट्राइसिंग पेंडेंट के साथ, ताकि हम हमारा एक शिप में पार्ट तो हो रहा ना, हां एक तो उसको बांध दिया, इसको बांधा टॉगल पेंटर। ट्राइसिंग पेंडेंट एक मतलब हुक टाइप से होती है, मतलब आप सोच रहे हैं बड़ी सी डंडा, हां मतलब डंडा सा रहता है उसमें से हुक लगा रहता है, उससे क्या होता है कि आप लाइफ बोट को अपनी तरफ खींचते हैं ताकि आप आराम से उस पर चल सके, ठीक है। तो एक इंसान ड्राइविंग पेंडेंट के साथ स्टैंड बाय रहता है और एक टॉवल पेंटर के साथ। अब क्या करते हैं, हार्बर सेफ्टी पिन को रिमूव करते हैं, ठीक है। हार्बर सेफ्टी पिन को रिमूव करते हैं, फिर एक इंसान क्या करता है, डेड मैन हैंडल होता है, ठीक है। क्या होता है, डेड मैन हैंडल। डेड मैन हैंडल एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगल कॉन्सेप्ट पे काम करता है। इसको जैसा सा डेड मैन हैंडल्स को ऑपरेट करेंगे ना, ठीक है, जैसे लिफ्ट करेंगे इसको, डेड मैन हैंडल से लिफ्ट करेंगे, वैसे मेरी लो होती है, लाइफ बोट लोअर होती जाएगी, ठीक है। तो डेड मैन हैंडल को लिफ्ट करेगा, जो कि रिलीज क्या करता है, ब्रेक को रिलीज करता है। डेड मैन हैंडल को आप लिफ्ट करेंगे तो जो ब्रेक्स लगे होते हैं साइड में, वो ब्रेक्स रिलीज होंगे और आपका लाइफ बोट धीरे धीरे नीचे आएगा। फिर उसके बाद जब आपका बोट नीचे आते आते एम्बार्केशन डेक के लेवल में आ गया, आ गया इंबार्केशन डेक के लेवल में आ गया, फिर आप अब आप किसका यूज करेंगे, ट्राइसिंग पेंडेंट का। जो इंसान स्टैंड बाय का ट्राइसिंग पेंडेंट के साथ, वो क्या करेगा, लाइफ बोट को अपनी तरफ खींचेगा। अब क्या करेंगे, जितने ही पर्सन है वो बोट के अंदर जाके बैठ जाएंगे। बैठने के बाद सबसे पहला काम क्या करते हैं, हेड काउंट, ठीक है। हेड काउंट हमने ले लिया, अब क्या करते हैं, हेड काउंट के बाद हम ट्राइसिंग पेंडेंट को हटा देते हैं। ट्राइसिंग पेंडेंट को हटाने पर अब क्या होता है कि सारा का सारा लोड किस पे आता है, फॉल्स पे, ठीक है। इनके साथ वो लोअर हो रहा है, सारा का सारा लोड फॉल्स पे आ गया। अब क्या करेंगे, फिर हम डेड मैन हैंडल को ऑपरेट करेंगे, ठीक है। डेड मैन हैंडल को ऑपरेट करेंगे तो धीरे धीरे मेरा लाइफ बोट नीचे चलता है। टॉवर पेंटर नहीं, अभी टॉवर पेंटर अभी रिमूव नहीं, अभी नीचे जा रहे हैं, ठीक है। अब जब नीचे जाके अब दो तरह का मैकेनिज्म आता है, ठीक है। अभी तक समझ में आया, अभी तक प्लाईवुड मेरा कहां तक आ चुका है, अब इंबार्केशन डेक से नीचे आ चुका है, ठीक है। अब यहां के बाद दो तरह के मैकेनिज्म होते हैं, ऑनलोड मैकेनिज्म और ऑफलोड मैकेनिज्म। अब यहां से लॉन्चिंग दो तरह की हो जाती है, ठीक है, ऑनलोड मैकेनिज्म और ऑफरोड मैकेनिज्म। अब ये दोनों में क्या फर्क है, ऑनलोड मैकेनिज्म और ऑफरोड मैकेनिज्म में क्या फर्क है। ऑफरोड मैकेनिज्म में ये होता है कि जब तक आपका लाइफ बोट कंप्लीटली पानी के लेवल को टच नहीं कर देता है, ठीक है, तब तक लोड पूरी तरह से कहां रहता है, फॉल्स पे रहता है। जो फॉल्स उसको नीचे लेके जा रहे हैं, पूरी से पूरी लोड कहां रहती है, उन पे ही रहती है, जब तक कि मेरा लाइफ बोट ने वाटर का लेवल टच नहीं कर लिया, ठीक है। और ऑनलोड मैकेनिज्म क्या होता है, ऑनलोड मैकेनिज्म होता है कि जनरली जब वाटर का लेवल 1 मीटर या 1.5 मीटर आ जाता है तो लोड फॉल से हट जाता है और मेरी लाइफ बोट जाके पानी से टकराती है। हालांकि वो इंपैक्ट ऐसा नहीं होता है कि किसी पर्सन के लाइफ बोट को मतलब इंजर्ट करे, बहुत ही स्मूथ लैंडिंग होती है, ठीक है। तो ऑनलोड और ऑफलोड समझ में आया। ऑफलोड क्या होता है, ऑफलोड मैकेनिज्म होता है कि आपकी लोड फॉल से कब तक रहेगी, जब तक कि बिल्कुल पानी के लेवल को टच ना कर जाए, ठीक है। और ऑनलोड मैकेनिज्म में क्या होता है कि जब वो एक वाटर लेवल जब 1 मीटर या 1.5 मीटर की हाइट पर आ जाती है तो फिर वो फॉल्स क्या होता है, लोड से हट जाता है और वो सीधा आके पानी से टकराती है हमारे, ठीक है। सब दो तरह के मैकेनिज्म, हैंडल रिलीज करने के लिए ना, ये ब्रेक्स को रिलीज करते हैं। आप डेड मैन हैंडल को लिफ्ट करेंगे तो जो सेंट्रीफ्यूगल ब्रेक्स लगे होते हैं उनको रिलीज करता है। और जब ये जैसे पानी तक पहुंचेगा तो मतलब ऑटोमेटिकली ऊपर से मतलब जैसे वो डिस्चार्ज हो जाएगा कि खुद डिस्चार्ज करना, नहीं हुक को रिलीज, ऑफलोड मैकेनिज्म है तो आपको हुक को रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो गाइस जो हमने टॉगल पेंटर का हुक लगा कर रखा हुआ है बोर्ड पे, हमें हुक को रिमूव करना पड़ेगा। अगर वो हुक रिमूव नहीं हो रहा तो फिर हम उसको काट देंगे।
और इसमें ऑलआउट मैकेनिज्म में आपको क्या होता है वो अपने आप से वो इसमें क्या होता है ऑनलोड में एक लीवर होता है ठीक है ऑनलोड मैकेनिज्म में क्या होता है एक लीवर होता है उस लीवर को जब ऑपरेट करते हैं तो वो हुक अपने आप निकल जाती है और बेसिकली सेफ यही होता है कि आप अंदर से उस लीवर को ऑपरेट करें बाहर ना निकले ठीक है ये मैकेनिज्म में है लोअर कैसे करना एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं सबसे पहले क्या करते हैं एक इंसान अंदर जाएगा ठीक है ड्रेन को प्लग करेगा और टॉगल प्रिंटर को बाहर की तरफ पकड़ा देगा टॉगल प्रिंटर को स्लिप साइड के साथ फ्लशिंग कर देंगे और उसके बाद क्या करेंगे फ्लशिंग करने के बाद उसको एक अपना वो से अब नहीं अभी नहीं उसके बाद दो लोग स्टैंड बाई रहेंगे टॉगल प्रिंटर के साथ और एक प्रेसिंग पेन ड्राइव के साथ ठीक है फिर उसके बाद सिर्फ डेडमैन हैंडल को लिफ्ट करेंगे धीरे धीरे नीचे आएगी जब एम्बार्केशन डेट एक लेवल पे आ जाएगी तो ट्रेसिंग पेंडेंट को यूज करके उसको सिप के नजदीक लाएंगे तो सारे पर्सन उसमें ऑन बोर्ड हो जाएंगे और एक पर्सन मतलब ग्रैब पिन भी तो करा देंगे हाँ सॉरी एक बात छोड़ दिया सेफ्टी हार्बर पिन जो है हार्बर सेफ्टी पिन है उसको रिमूव करेंगे उसके बाद डेट में हैंडल लिफ्ट करेंगे तो नीचे आएगा फिर वो नीचे आया फिर एम्बार्केशन डेट पे सारे पर्सन ऑन बोर्ड हो गए हमने हेड काउंट ले लिया नाउ सेटिस्फाइड हर कोई ऑन बोर्ड है फिर डेड मैन हैंडल को लिफ्ट करेंगे तो धीरे धीरे नीचे आ जाएगा और नीचे आने के बाद दो तरह का मैकेनिज्म होता है उसको लॉन्च करने का ऑनलोड मैकेनिज्म है ऑफलोड मैकेनिज्म ऑफलोड मैकेनिज्म में क्या होता है कि लोड फॉल्स पे तब तक रहती है जब तक वो बिल्कुल पानी के लेवल पे ना आ जाए और ऑनलोड मैकेनिज्म में क्या होता है कि जब वो पानी के लेवल से 1 या 1.5 मीटर ऊपर रहता है तभी एक लीवर होती है लीवर को प्रेस करके हम उसको सीधा फॉल कर देते हैं वाटर लेवल ठीक है वही बोलता है फ्री फॉल लॉन्चिंग लिखना बोले मैं वो करा देता हूँ बदले बदले